स्वागत है आपका मिस्टर इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए एक नई वीडियो के साथ में। तो ये मार्केट से बना हुआ रूम मीटर है और इसके अंदर दिक्कत आ गई है। ये ऑन करते हैं तो इसकी क्या नाम रॉड ऑन नहीं होती है दोनों। और ये दूसरा होममेड घर पे तैयार किया हुआ रूम मीटर है और इन दोनों के बारे में आज आपको मैं इसमें जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में और ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ये नट, इधर ये नट लगे हुए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नट हमें खोलने हैं इसके। तो चलिए मैं इस तरफ से ये नट खोलना शुरू करता हूँ इसके। के मैंने ये ओपन कर लिए हैं इस साइड से और अब इसके बाद में इसको हम हटाएंगे यहाँ से। इसके नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, अब ये दोनों स्क्रू हमें ओपन करने हैं इसके। इधर एक इस साइड में ये दोनों ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये हीटर पूरा ओपन हो चुका है। इसमें ये इसके सारे वायरिंग दी हुई है टोटल इस प्रकार से। ये मेन स्विच है जो नीचे रखने के बाद में यहां से दबता है, ये वाला जब इसको अपने खड़ा करते हैं तो ये दबता है, इससे कनेक्शन इसका जुड़ता है तब ये हीटर ऑन होता है। तो इसका ये स्विच तो बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी इसकी रॉड काम नहीं कर रही। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इसकी टेस्टिंग लेते हैं। मैंने ये सीजन में लैंप लगा लिया है और हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे इसकी रॉड को टेस्टिंग देते हैं। इसका इधर में इसका इधर ले लिया और दूसरा ये इधर से लगाने पर कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं आ रही, सब में रॉड खराब है हमारी। तो इसी प्रकार से दूसरी भी ले लेते हैं नीचे से। ये दोनों हमारी रोडों में करंट नहीं आ रहा, हमारी रोड खराब है, ये हमें इसमें ये नई रोड लगानी पड़ेगी तब ये जो है हमारा हीटर फिर से जलेगा। तो चलिए मैं इसकी नई रोड लगा के इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। मार्केट में कुछ इस तरह से फ्रॉड हो रहा है कि आपसे कहा गया कि हम नई रोड लाएंगे, कुछ वर्कर इसको कहने के नाम पे ले जाते हैं और ये इस तरह से इसमें एलिमेंट निकलता है। ये इस तरह से एलिमेंट निकला, इसका एक साइड ये टूट चुका है और हम इसी रोड को वापस रिपेयर करके आपको दिखाएंगे और इसमें वापस लगाएंगे। किस तरह से लगाई जाती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हम इसको ये इसके साइड वाली कपलिंग को ओपन कर लेंगे इस तरह से। ये नट हमने इसको ये लूज किया है, इसके यहाँ से ये नट खोल लिया मैंने इसका और ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया इसमें से। ये इस चीज ओपन हो चुकी है इसकी। अब हम इसका ये सिरा एलिमेंट का ये सिरा उठाएंगे यहाँ से और इसकी जो है तीन चार राउंड जो है बिल्कुल ओपन कर लेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद में इस चीज को हम लेंगे और इस पर इसको राउंड मारेंगे इस तरह से।
प्रकार से हमारी ये पिन वापस इसमें लग चुकी है। ये देखिए हमारी इसमें कनेक्ट हो चुकी है और इसको वापस इसी में डाल के कनेक्टर में इसका वापस इसका बैक नट लगा देंगे। एक बार ये हमें इसकी टेस्टिंग लेनी है, हम इसको किसी एक बार वैसे ही टेस्टिंग ले लेते हैं इसकी, उसके बाद हमें ये कनेक्टर फिर वापस खोलना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चल जाएगा रोड हमारी सही होगी कि नहीं होगी। अभी मैं इसको ओपन चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको वापस फिर रोड में फिट करके चेक करके बताऊंगा। ये देखिए हमारी टेस्टिंग लाइट बिल्कुल सही बता रही है, ये हमारी रोड सही हो चुकी है। इसी प्रकार से हमें दोनों रोड है सही करनी है। चलिए मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ आपको रोड के अंदर। ये मैंने इसको वापस इसमें डाल दिया, एलिमेंट को इसमें डालना वापस अपने अंदर। इसी तरह से ये वापस आराम से चला जाएगा इसके अंदर और ये इधर से कनेक्ट हो चुका है और इधर से हमारा ये इसमें जाएगा दूसरी साइड का कनेक्टर इसमें लगाएंगे वापस और ये हमारी रोड फिर से वापस तैयार हो गई है। इसको ज्यादा जोर ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो ये हमारे यहां से ये चीनी मिट्टी का ऑर्डर होता है ये क्रैक हो जाता है। बस मामूली से इसको आराम से कसना है। ये देखिए हमारी रोड वापस फिर से तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये तैयार है। इसी प्रकार से मैंने दूसरी रोड को भी पैच ओपन करके तैयार कर लिया था और ये देखिए हमारी दोनों रोड बिल्कुल सही है, हमारी रोड की रिपेयरिंग हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसके रोड दोनों लगा ली इसमें और चलिए हम इसकी पैकिंग करते हैं और फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब मैंने इसकी सारी फिटिंग कर ली है और अब हम इसकी सीरीज में टेस्टिंग करते हैं एक बारी कि हमारा ये कहीं से करंट तो नहीं मार रहा। तो पहले हम यहीं से इसकी मेन लीड पे लगाते हैं चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ये सीरीज में बल्ब सही चल रहा है इसका और मैं इसकी बॉडी से टच करके एक वायर लगा के चेक करके इसकी बताता हूँ आपको। तो देखिए ये हमारा कहीं से भी किसी प्रकार से स्पार्किंग नहीं दे रहा, दोनों पॉइंट पे मैंने लगा लिया इसको, ये बिल्कुल सही है। और अब इसको सीधा टेस्टिंग लेते हैं इसकी मेन लाइन में लगा के। ये मैंने इसको लगा दिया है। देखिए हमारी ऊपर वाली रोड धीरे धीरे ऑन हो रही है, ये दिखाई दे रही होगी इसकी।
उसके बाद मैंने दूसरी रोड ऑन कर दी इसकी। ये दोनों रोड बिल्कुल ओके हो गई हैं और ये हमारा ठीक से वर्क कर रहा है। इसी प्रकार से आप इस हीटर की रिपेयरिंग कर सकते हैं और अपने पॉकेट के खर्चे को बता सकते हैं। कम पैसे में, बिना पैसे के आपका ये काम हो चुका है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।